स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। हेलो दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका ने 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाए और 342 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए दिया। दोस्तों, बात करें इस मैच की तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डी कोक और मरकरम। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की और 55 उनका पहला विकेट गिरा। मकरम फीम ऑप्शन की गेंद पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका कप्तान बामुमा ने क्विंटन डी कोक के साथ मिलकर 100 रनों के ऊपर की साझेदारी की, लेकिन 169 पर साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा। क्विंटन डी कोक 80 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बैन डिवसन बल्लेबाजी करना आए, जिन्होंने बामुमा के साथ मिलकर स्कोर को संभाला और 270 तक बचाया, लेकिन 270 पर साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद 306 पर उनका चौथा विकेट गिर गया। इसके बाद अंत में डेविड मिलर ने निचले खिलाड़ियों के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को 341 तक पहुंचाया और साउथ अफ्रीका ने 342 रन को लक्ष्य पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए दिया। दोस्तों, नज़र डालें स्कोर कार्ड की तरफ से तो साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कोक ने बनाए 80 रन, मरकरम ने 39, बामुमा ने 92, वैन डूरोसन ने 60, मिलर ने नवाद 55 रन, क्लासन ने 11, रवाड़ा ने नवाद 1 रन बनाया। वहीं पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजों की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से हैरी सरोच ने 3 विकेट लिए, वहीं शहीन अफरीदि, मोहम्मद और फीम अशरम ने 1-1 विकेट हासिल किया। दोस्तों, इसके बाद साउथ अफ्रीका के 342 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान की ओर से इमामुल हक और फक्कर जमान। दोस्तों, लेकिन 7 के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम का पहला विकेट गिर गया। इमामुल हक 5 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें लुंगी एनगिडी ने आउट किया। इसके बाद बाबर आजम बल्लेबाजी करना है, जिन्होंने फक्कर जमान का खूब साथ दिया, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की पारी को संभाला और महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं नवी वीडियो निजी चैनल पर जरूर लाता रहूँगा। अगला मैच 1 दिन बाद है, उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर जरूर लाऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पसंद आएंगे।